हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको जीव विज्ञान में उस चैप्टर को पहले पढ़ाने जा रहा हूं जिससे मानव, पशु, पक्षियों, पेड़, पौधे इन सभी की उत्पत्ति हुई है और इसको किसके तरह अध्ययन करते हैं, किस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया था, किसे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए अब हम एक एक कर इन चीज़ों को जानते हैं। जीव विज्ञान जीवधारियों का अध्ययन जिसके तहत किया जाता है उसको हम जीव विज्ञान के तहत रखते हैं। अब जीवधारी में क्या है, तो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सभी को हम बायोलॉजी के तहत अध्ययन करते हैं। बाद में बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के तहत पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं, मनुष्यों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के तहत हम पेड़ पौधे यानी पादप का, प्लांट का अध्ययन करते हैं। अब है कि जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले लैमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे इन्होंने दिया था और इन्हीं के साथ ट्रिवेरनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले दिया था और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब है कि जीव विज्ञान यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वह अरस्तु साहब को कहते हैं। अरस्तु एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है अरस्तु साहब को, चूंकि इसके बारे में विस्तृत रूप से इन्होंने जानकारी दिया था। अब अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने सबसे पहले दिया था, तो मेंडल साहब ने सबसे पहले मटर के पौधे पर एक शोध किया था, एक छोटा बौना पौधा एक बड़ा पौधा को क्या किया था कि मिलाकर एक नया पौधा का इजाद किया था शंकर विधि के द्वारा, क्रॉस कराकर, क्रॉस सीड कराकर, और उन्हीं को हम अनुवांशिकता का सिद्धांत देने वाला मानते हैं यानी मेंडल साहब को मानते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये VVI आपके लिए है। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, हमारा जो ये शरीर जो बना है सेल से बना है और इस सेल का सबसे पहले कौन सिद्धांत दिया था ये कोशिका था का, तो स्लाइडेन और श्वान ने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन और श्वान ने, ये बात याद रखिएगा। अब है वंशानुगत का नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो लैमार्क साहब ने वंशानुगत का नियम सबसे पहले इजाद किया था। उसके बाद है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। आप जानते हैं कि बचपन में डार्विन एक मंद बुद्धि थे लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी बुद्धि का विकास किया था और प्रकृति में रहकर उनका डेवलपमेंट हुआ था, तो इसीलिए उनको प्रकृति का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक माना जाता है डार्विन साहब को। DNA द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि DNA कुंडली सिद्धांत किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब है जीव विज्ञान की शाखाएं हैं जिसके बारे में बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए एक एक कर हम उनको जानते हैं और इसके लिए हम ट्रिक भी इजाद करेंगे। अब है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एपी कल्चर के तहत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और एपी मधुमक्खी अब एपी याद रहेगा तो एपी कल्चर याद रहेगा, एपी कल्चर अगर आपको याद रखेगा तो आपको ये भी याद रखेगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन इसके तहत किया जाता है, एपी मधुमक्खी, ये ट्रिक है। अब है रेशम कीट पालन का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो सेरी कल्चर, सिर पर रेशम डाल, सिर से सेरी कल्चर और अध्ययन किया जाता है रेशम कीट पालन का। अब है मत्स्य पालन का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो पीसी कल्चर, पीस दे मछली को यानी इसके तहत जो है पीसी कल्चर के तहत मत्स्य पालन यानी मछली का अध्ययन किया जाता है। ये आप एक बार लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक ट्रिक के तहत हम लोग चल रहे हैं। अब है कवकों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो माइकोलॉजी के तहत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और ये याद कैसे रहेगा, माई कवक,
माइकोबक्ला यानी माइकोलॉजी के तहत कवकों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के तहत शैवाल। सिर पर मारा यानी फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब है पुष्पों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एंथोलॉजी के तहत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अब है फलों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो पामोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। अब है कीटों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि कीटों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटी कीट इसको याद रखेंगे ट्रिक से, तो आपको याद रहेगा कि एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब फूलों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों का अध्ययन किया जाता है। आप भी जानते हैं लोग बागवानी करते हैं, याद रखिए फ्लोरिकल्चर के तहत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। अब कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन कैसे करते हैं, हमारे शरीर में जब कैंसर या ट्यूमर हो जाता है तो उसके लिए हम किस विज्ञान के तहत अध्ययन करते हैं, तो ओकोलॉजी। अब कैंसर होगा तो क्या होता है, ब्लड मुंह से निकलता है, खून निकलता है, क्या करते हैं हम उल्टी करते हैं, तो ओकोलॉजी के तहत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। रक्त का अध्ययन किसके तहत करते हैं, हीमेटोलॉजी के तहत हम रक्त का अध्ययन करते हैं। ये सब चीज आपको बार बार याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मिट्टी का अध्ययन किसके तहत करते हैं, तो पोडोलॉजी के तहत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। मिट्टी को हम पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में हम पढ़ा चुके हैं कि मिट्टी जो है 8 प्रकार के होते हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। कास्टी पेड़ों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो सिल्वी कल्चर के तहत कास्टी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किया जाता है किसके तहत, साइटोलॉजी के तहत कोशिका मेला, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन हम करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन किसके तहत करते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी के तहत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। विषाणुओं का अध्ययन कैसे करते हैं, तो वायरोलॉजी के तहत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ इसको पढ़ लिया, अब हमको VVI करना है कि एग्जाम में इसमें से किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और हमको कहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब हम एग्जाम के पैटर्न से आपको बताएंगे कि हमको क्वेश्चन जो है किस किस को ध्यान रखना है ताकि हम उसको कर सकें। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब है कि जीवधारियों का अध्ययन नहीं पूछता है, ये पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो लैमार्क और टिवेरनस ने दिया था। ये VVI है, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, तो अरस्तु साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने किसका सिद्धांत दिया था, तो कोशिका सिद्धांत का दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। वंशानुगत के नियम किसने दिया था, तो लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। DNA द्विकुंडलिक मॉडल किसने खोजा था, तो वाटसन एवं क्रिक ने DNA कुंडली मॉडल को खोजा था। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि एपिकल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मधुमक्खी का पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए VVI है, इसको जरूर याद रखिएगा।
अगला है कवकों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एंथोलॉजी के तहत किया जाता है। फलों का अध्ययन किस तहत किया जाता है, तो पामोलॉजी के तहत किया जाता है। कीटों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी के तहत किया जाता है। जहां जहां VVI करा रहे हैं उसको कम से कम जरूर आप याद रखिएगा। फूलों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, फ्लोरिकल्चर के तहत किया जाता है। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो ओकोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा है कि कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो ओकोलॉजी के तहत। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के तहत। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के तहत। ये कई बार पूछा है कि मिट्टी का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, पेडोलॉजी के तहत। काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन तो किसके तहत किया जाता है, सिल्वीकल्चर के तहत। कोशिका का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, साइटोलॉजी के तहत। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जीवाणुओं का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी के तहत। और विषाणु का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो वायरोलॉजी के तहत किया जाता है। देखिए जहां जहां हमने VVI कराया है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रत्येक दिन हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने बायोलॉजी शुरू किया है, यानी आपको जीव विज्ञान शुरू किए हैं। आपको किस तरह क्वेश्चन आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, और हाँ लूसेंट को आपको कैसे पढ़ना है इसको भी हम बताते चलेंगे, क्योंकि लूसेंट से 50% किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसको भी फॉलो करना है। चैप्टर बाय चैप्टर हम बताएंगे, आपको वहां जाकर भी पढ़ना है। मेरे टेलीग्राम पर आप जाकर, लूसेंट में हमने टिक लगा दिया है, वहां से टेलीग्राम से कौन सा चीज़ आपको लूसेंट से निकाल कर याद रखना है वो मेरे टेलीग्राम पर चले जाइएगा। सर्वत एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, या मेरे व्हाट्सअप जो है सर्वत एकेडमी के नाम पे है वहां से मिल जाएगा। बस यही कहेंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। बाय बाय।